What are required skills to become a successful graphic designer? Skill learning, lecture number two, requirement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. दोस्तों, ग्राफिक्स एक्सप्रेसस, स्किल लर्निंग शॉर्ट कोर्स क्वारंटाइन एक्टिविटीज़ के दौरान एक एक्टिविटी जो कि ऑफर कर रहा है, आज उसका लेक्चर नंबर दो। लेक्चर नंबर दो है क्या? इसमें हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं, कौन सी स्किल्स पे अवार्ड हासिल करके एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो कामयाब हो सकता है। बुनियादी तौर पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कंप्यूटर स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स हैं और दूसरी जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स हैं। जब हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की, तो टेक्निकल स्किल्स में हमें चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। वो चार चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले है जी टेक्स्ट, फिर है फोटोग्राफी, फिर है इलस्ट्रेशन, फिर है सॉफ्टवेयर स्किल्स। टेक्स्ट को हम देखते हैं, टेक्स्ट बेसिकली टाइपोग्राफी है। जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी दो शख्स एक दूसरे को जब कोई मैसेज देते हैं तो अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर के कामयाब बनने के लिए अल्फाज जो हैं वो टेक्स्ट की शेप में अहमियत के हामिल हैं। इसीलिए ग्राफिक डिजाइनर को कामयाब होने के लिए टेक्स्ट को हैंडल करना सीखना बहुत ही अहमियत रखता है। इसी अहमियत के पेश नज़र इसको, यानी टेक्स्ट को मैनेज करना सीख लेना एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का ज़रिया बनता है। दूसरी चीज़ टेक्निकल स्किल्स के अंदर फोटोग्राफी है। जब भी कोई पोस्टर या बैनर वगैरह के जरिए ग्राफिक डिज़ाइनर मैसेज पहुंचाता है तो इसके अंदर वो अपनी कुछ तस्वीरें या इमेजेस का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। इन्हीं तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फोटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। टेक्निकल कैटेगरी में रहते हुए इलस्ट्रेशन तीसरी स्किल है, यानी स्केचेस वगैरह बनाना। इसका मतलब है जब भी कोई भी चीज़ ड्रॉ करना या बनाना, जैसे बच्चे बचपन से ही शुरू से अपनी कापियों या अपनी किताबों के ऊपर कोई छोटे मोटे डिज़ाइन या कार्टून, मसलन किसी ने कोई टॉम एंड जेरी बना लिया, ये बनाते हैं, बेसिकली यही एक इलस्ट्रेशन है। इसी तरह एक कामयाब और अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है वो जब भी काम शुरू करे तो स्केचेस बनाए, स्केचेस को ड्रॉ करे, स्केचेस के ऊपर अपने आप को सेट करे, स्केचेस के ऊपर अबूर हासिल करे। नेक्स्ट टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर चौथी है सॉफ्टवेयर्स। ये भी जरूरी है अच्छे और कामयाब ग्राफिक डिजाइनर के लिए कि वो टाइपोग्राफी कर लेता है, वो फोटोग्राफी कर लेता है, वो इलस्ट्रेशन कर लेता है। ये सब कुछ वो किस पे करेगा? सॉफ्टवेयर्स पे करेगा। तो सॉफ्टवेयर की स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है किसके लिए? कामयाब ग्राफिक डिजाइनर के लिए, अच्छे और कामयाब ग्राफिक डिजाइनर के लिए। इस स्किल्स में जो बेसिक स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो हैं अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेशन है और अडोब इनडिज़ाइन है। अडोब इलस्ट्रेटर
या अडोब फोटोशॉप, ये दो मेन स्किल जो हैं ये तो हम अपने इस कोर्स में थॉरली इनको देखेंगे और थोड़ा सा टच हम अडोब इनडिजाइन को देंगे। बेसिकली अडोब इनडिजाइन जो है ये टाइपोग्राफी का सॉफ्टवेयर है और इसको सिर्फ थोड़ी सी टच चाहिए, बाकी प्रैक्टिस जो है वही है जो टाइपोग्राफी में प्रैक्टिस होती है। ये टाइपोग्राफी को थोड़ा सा इजी बना देता है। टेक्निकल स्किल्स कैटेगरी के बाद हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल स्किल कैटेगरी। प्रोफेशनल स्किल कैटेगरी के अंदर 6 चीजें आती हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, फिर है एनालिटिकल स्किल, फिर है टाइम मैनेजमेंट स्किल, फिर है एफिशिएंसी स्किल, फिर है क्वालिटी एश्योरेंस स्किल। हम बात करते हैं जी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। जब हम बात करेंगे प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो हमें ये नहीं बोलना कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन का ही एक नाम है। इसीलिए एक ग्राफिक डिजाइनर की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी इतने अच्छे ही विजुअल मैसेज वो बना सकेगा, इतने अच्छे विजुअल पैगामात जो है वो बना सकेगा और डिजाइन कर सकेगा। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए जरूरी है कि क्लाइंट को इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम देने के लिए इनसे कम्युनिकेशन के जरिए रिक्वायरमेंट भी पता करनी बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट स्किल हमारे पास जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। डिजाइन का मतलब है कि मसाइल का हल निकालना, और फिर इसका मतलब ये भी है कि अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अपनी सोच के जरिए जो भी मैसेज पोस्टर या बैनर के जरिए किसी दूसरे तक पहुंचाएगा, किस तरह पहुंचाएगा कि उसके अंदर मसाइल का हल मौजूद हो। मसलन वो इस चीज को जेन में रखता हुआ डिजाइन अपना बनाएगा कि मेरा डिजाइन पढ़ने वाला बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, टीनेजर है, इस चीज को जेन में रखेगा। समर में डिजाइन मेरा जाना है, विंटर में जाना है, वर्सटाइल होना है, ये सारी चीजें जो हैं ये किस में आएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग में। डिजाइन कोई भी बनाने से पहले उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर महारत होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रोफेशनल कैटेगरी में एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल बेसिकली डिजाइनर के लिए इसलिए भी जरूरी है कि वो अपने काम को वक्त के साथ साथ खुद ही एनालाइज करता रहे। क्लाइंट या लोगों से मिलने वाले कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और निशानदेही को बड़े मुस्बत रवैये के साथ देखे और एक्सेप्ट करे और इस क्रिटिसिज्म की मदद से अपने डिजाइन में बेहतरी लाए। कमेंट्स को, क्रिटिसिज्म को या किसी की गलती की निशानदेही को देखकर हाइपर होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय मुस्बत अंदाज में लेकर इनसे सीखते हुए अपने डिजाइन को बेहतर से बेहतर करें। नेक्स्ट प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसा ना हो कि क्लाइंट के लिए काम कर रहा है और डिजाइन में इतनी पेचीदगियां पैदा करनी शुरू कर दें, इतनी खूबसूरती पैदा करनी शुरू कर दें, इतनी परफेक्शन पैदा करनी शुरू कर दी कि अपने टाइम को ही मीट ना कर सके। इसीलिए एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत जरूरी है। कोई काम अगर 2 घंटे में, 4 घंटे में,
हता के 40 घंटे में भी पूरा होना है। जो कम्युनिकेट टाइम हो चुका है उसी टाइम के अंदर अंदर रहते हुए जो बेहतर से बेहतर डिजाइन बने वो डिजाइन बना के क्लाइंट को डिलीवर करना है, ताकि प्रोफेशनल रिश्ता जो है वो मजबूती पकड़े। प्रोफेशनल कैटेगरी की नेक्स्ट स्किल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या ऑप्टेशन। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी की फील्ड है, तो इस लिहाज से ग्राफिक डिजाइनर के लिए ये जरूरी है कि वक्त के साथ साथ नई स्किल्स और ट्रेंड को नजर में रखकर काम करे, यानी ट्रेंडिंग के साथ साथ अपनी एफिशिएंसी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाए। प्रोफेशनल कैटेगरी की आखिरी स्किल क्वालिटी एश्योरेंस। जब एक डिजाइनर ने डिजाइन बना लिया, बनाने के बाद उसको स्टडी कर लिया, उसको जायजा ले लिया, उसको रिव्यू दोबारा से कर लिया, करने के बाद फिर उसको डिलीवर करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। अपनी क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये क्वालिटी एश्योरेंस बहुत जरूरी है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स छोड़िएगा। जिस जिस के जोन से भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन जो है वो डालेगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का आंसर बना दिया जाएगा। अगर वीडियो बना के बताना जरूरी हुआ, वीडियो बना के बता के उसको बताया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें, ताकि आने वाली नई वीडियो, आने वाले नई लेक्चर सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।